नमस्ते, स्वागत है आपका। मेरा नाम अखिलेश है। यूपी में सातवें और आखिरी चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया जो है जारी है। इस वक्त मैं गाजीपुर में हूँ। गाजीपुर का ये सैदपुर विधानसभा सीट है और यहाँ पे चुनाव हो रहा है। सातवें चरण को लेकर वोटिंग दे रही है। तो मतदान के बाद लोगों ने किन मुद्दे पर वोट किया है, इस बार चुनाव में क्या मुद्दा है, इसे लेकर हम मतदाताओं से बातचीत करना चाहते हैं। क्या वो मुद्दे रहे जिस पर आपने वोट डाले हैं? बेरोजगारी सर। बेरोजगारी मुद्दा है जी सर। तो क्या इस बार क्या बदलाव को लेकर आपने वोट दिया है या फिर मौजूदा सरकार के कार्यकाल बदलाव को लेकर? जी सर, आपने वोट डाल दिया। जी सर। क्या रहे चुनाव में मुद्दे इस बार? मुद्दे रहे बेरोजगारी का। बेरोजगारी पर वोट डाला है आपने जी। और कोई ऐसे मुद्दे जिस पर चुनाव में लगता है आपको कि वोट डालना चाहिए, चुनाव में ये मुद्दे होने चाहिए? महंगाई जी, महंगाई है, सब कुछ है, महंगाई है, फिर बेरोजगारी है। बेरोजगारी, कोई भर्ती नहीं निकल रहा है तीन साल चार साल से, वैकेंसी बेरोजगारी, हम लोग घूम रहे हैं। तो बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर इस बार वोट डाले जा रहे हैं जी। आपने वोट डाल लिया सर? हाँ, डाल लिया सर। क्या वो मुद्दे रहे जिस पर आपने वोट डाले हैं? मुद्दा है बेरोजगारी का, नौजवान बेकार पड़े हुए हैं, किसान परेशान हैं, उनकी जायदाद को जो है सांड भैंसा जानवर सब चर रहे हैं, इस पे कोई ध्यान नहीं है। 5 किलो तो आटा गेहूं चावल मिल रहा है, अब 5 क्विंटल बर्बाद हो रहा है, इस पे सरकार का कोई ध्यान नहीं है। गरीब जनता मर रही है, पेट्रोल कहाँ गया, डीजल कहाँ गया, इससे हर चीज की जो है महंगाई बढ़ रही है, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज। तो इस बार आपने बदलाव के लिए, हम बदलाव के लिए वोट डाले हैं सर। आपने कुछ महिला मतदाता भी हैं, आपने वोट डाला, वोट डाल दिया जी। क्या वो मुद्दे रहे जिस पर आपने वोट डाले हैं? बेरोजगारी। बेरोजगारी जैसे मुद्दे आपने वोट डाल लिया? यस सर। क्या मुद्दे रहे जिस पर आपने वोट डाले? बेरोजगारी पर, सरकार भ्रष्टाचार, सरकार जो सब बच्चों को परेशान कर रही है, उनको नौकरियां नहीं दे रही है, नौकरी जैसे मुद्दों पर वोट डाले। तो लोग हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं, उनका कहना है कि बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर इस बार वोट डाला जाएगा, महंगाई भी एक मुद्दा है, उस पर वोट डाले जा रहे हैं। तो अच्छा, आपने वोट डाल लिया? जरूर साहब। क्या वो मुद्दे रहे जिस पर आपने वोट? तो बड़ी महंगाई है साहब। हाँ, और हम लोग का जो है कि बेरोजगारी चल रही है, और हम लोग का तो यही मुद्दा है, महंगाई जैसे मुद्दे पर आपने वोट डाला है। कुछ और मतदाता हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। चाचा, वोट डाल लिए? क्या वो मुद्दे रहे जिस पे आपने वोट डाले? मुद्दा क्या रहा, किस क्या सोच के वोट डाले? अरे, वो हमारा कर्तव्य था। हाँ, कर्तव्य था। हाँ, कर्तव्य था। हाँ, वोट डालने का कर्तव्य है। हाँ। जो होता है चुनाव में, जो सरकार ने काम काज किया उससे संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट। उससे संतुष्ट हैं? संतुष्ट कहाँ बात। अच्छा, आपने वोट डाल लिया? हाँ। क्या मुद्दे रहे आपके हिसाब से चुनाव में इस बार? मुद्दा ये है कि पूरा गांव छूट के खेत चढ़ देते हैं, गरीब जो है परेशान है, 1200 रुपया 1300 रुपया डाई बिक रही, यूरिया बिक रही है, ये सरकार जो है जनता को भ्रष्टाचार में मिला दिया है, इसलिए मैंने बोला। तो इस बार आप बदलाव के लिए? हाँ, बदलाव के लिए। आपने वोट डाल लिया? जी सर, डाल लिया। क्या वो मुद्दे रहे जिस पर आपने? और फिर सांड भैंसे चल रहे हैं, यही दिक्कत है सर। सर, तीन चार साल से सभी बच्चे पड़े हैं खाली उसी तरह। सर, आपने वोट डाल लिया? हाँ, वोट डाल लिया सर। सर, क्या वो मुद्दे रहे जिस पर आपने वोट? मुद्दे हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, जो आज नौजवान नौकरी के लिए परेशान है, और महंगाई मुद्दा है, और बेरोजगारी मुद्दा है, और हर मुद्दे पे सरकार फेल रही है। जो प्रदेश के लिए तरक्की और खुशहाली के लिए लेके जाना चाहिए, सरकार हर मुद्दे पे फेल रही है, ये सरकार हर मुद्दे। इसलिए हम लोग सरकार के बदलाव के पक्ष में वोट डाले हैं। बदलाव को लेकर आपने अपने वोट डाला है। कुछ और मतदाता आप बात करना चाहेंगे? आपने 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 वोट डाल दिया बेरोजगारी पर, आपने वोट डाला? अच्छा, आपने वोट डाल लिया? क्या वो मुद्दे रहे जिस पे आपने वोट डाले हैं? बेरोजगारी को देखो। बेरोजगारी मुद्दा है चुनाव में इस बार? हाँ, हाँ, बिल्कुल है। बेरोजगारी है चुनाव में मुद्दा? वोट डाले हो? क्या, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ।
क्या वो मुद्दे रहे जिस पे वोट डाले हो? भ्रष्टाचार और सर जवान जो दौड़ रहे हैं, भर्तियां एको नहीं आई अभी तक, और साठ भैंसे खेत में चल रहे हैं, किसानों का किसान रात भर आते आते परेशान हो जा रहे हैं, और एक साठ है जो गांव में गेहूं 5 किलो देते हैं वो भी घर पे रखते हैं और हटते हैं थोड़ा सा दूर, तब तक पता नहीं चलता है कि राशन कहाँ गया है 5 किलो। ये सब इतने हो गए हैं भ्रष्टाचार, और आजकल सुरक्षा नहीं है, लड़कियों पर इतना अत्याचार, कमेंट्स कहिए किए जा रहे हैं, कहीं पर भी रास्ते पे जा रहे हैं। कुछ बदलाव के लिए, बदलाव के लिए इस बार वोट डाल जी सर। कुछ और मतदाता हैं बात करना चाहेंगे, बताइए आप, आइए बताइए, क्या नाम है आपका? मुलायम यादव। मुलायम यादव, क्या क्या आपने किन मुद्दों पर वोट दिया इस बार चुनाव में? सर विकास के मुद्दे पर वोट दिया है। विकास के मुद्दे पर वोट आपने डाल दिया। क्या वो मुद्दे रहे जिस पर आपने मतदान किया है? महंगाई, बेरोजगारी। महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे इस बार चुनाव में हैं? है। इन्हीं मुद्दों पर आपने वोट दिया? आपने वोट डाल दिया। क्या वो मुद्दे रहे जिस पर आपने मतदान किया? इनके सार से छुट्टे पशु समस्या है, कुलचर के लिए खेतों है। और वो क्या मुद्दे रहे जिस पर चुनाव में इस बार मतदान हो रहे हैं? ये महंगाई के मुद्दा है और बेरोजगारी। महंगाई और बेरोजगारी इस बार मुद्दा है। तो लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है, लोगों का कहना है कि जो महंगाई और बेरोजगारी है इस बार चुनाव में अहम मुद्दा है और इसी मुद्दे पर वोट किए जा रहे हैं।